अगर आप एक डांसर हैं और एक अच्छी क्वालिटी की प्रोफेशनल लुक वाली वीडियो बनाना चाहते हैं डांस की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से बना सकते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल या फिर कैमरा से एक प्रोफेशनल लुक वाली डांस वीडियो शूट कर सकते हैं। हे गाइज, मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है। मैं पिछले 5 साल से प्रोफेशनली फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और पिछले 5 सालों में मैंने काफ़ी सारी डांस वीडियोस बनाई हैं काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, जिन पे काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ हैं। आज के टाइम पे डांस चैनल्स का यूट्यूब पे ग्रो करना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा अटेंशन इन्हीं चैनल्स को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर चैनल्स। बट अगर आपके चैनल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियोज़ अच्छी नहीं है, तो लोग आपके चैनल पर आएंगे और एक बार देख के वीडियोज़ छोड़ के चले जाएंगे। तो किस तरीके से आप अपनी वीडियोज़ को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले तो ये यार कि अगर आपका डांस ही अच्छा नहीं है तो उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई डांसर नहीं हूँ। लेकिन आपको डांस वीडियोस की लुक को कैसे अच्छा बनाना है, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, उसमें मुझे सब आता है, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। 3 चीजें हैं जो आपको डांस वीडियो अच्छी बनाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। रूल नंबर 1, यूज नेचुरल लाइट्स। अगर आपके कमरे में अच्छी क्वालिटी की लाइट्स नहीं है तो चांसेस हैं आपके रूम में अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं बन पाएगी। तो अपने रूम के अंदर वीडियो बनाने से अच्छा है कि आप अपनी छत पे जाके वीडियो बनाइए, या बाहर किसी पार्क में, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचुरल लाइट आपको सबसे ज्यादा मिल रही है। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की LED लाइट्स हैं तो आपको उन लाइट्स को यूज करना आना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आपने बस डायरेक्ट डांसर के फेस पे लाइट डाल दी और वीडियो अच्छी क्वालिटी की बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लाइट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लाइट्स हम यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो की लुक बनाने के लिए। दुनिया का कोई भी महंगे से महंगा कैमरा हो, वो आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं कर सकता अगर आपकी वीडियो में लाइट्स अच्छी नहीं है। तो स्टेप नंबर 2, कीप द वीडियो मूविंग। अगर आप अपने ट्राइपॉड पर रख के वीडियो बना रहे हैं और आपके पास कोई यार दोस्त नहीं है जो इस समय आपकी वीडियो मूविंग बना सके, तो आप ट्राइपॉड पर रख के वीडियो बना लो स्टिल, लेकिन उसको फिर एडिटिंग में आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, क्योंकि एक स्टिल वीडियो देखने में किसी को भी मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपके पास कोई यार दोस्त या फैमिली मेम्बर है जो आपकी वीडियो बनाने में मदद कर सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को चाहे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मोशन में रखिए, क्योंकि मोशन में चलती हुई वीडियो देखने में ही लोगों को मज़ा आएगा कि एक्चुअल में वो वीडियो है। स्टेप नंबर 3, शूट द वीडियो इन हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप DSLR कैमरा से ही वीडियो बनाओ या फिर किसी महंगे फ़ोन वाले कैमरा से वीडियो बनाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो फ़ोन में सबसे अच्छा कैमरा है, आप उस कैमरा से वीडियो बनाइए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ्रंट कैमरा ऑन करके ट्राइपॉड पे लगा देते हैं और फिर डांस वीडियोस रिकॉर्ड करके उसको डालते हैं। उसमें आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी क्वालिटी आपको आपके बैक कैमरा से मिल सकती है। तो अगर आप किसी भी फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं तो फ्रंट कैमरा की जगह अपने मेन कैमरा से वीडियोस बनाइए, आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियोस देखने को मिलेगी। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखकर अगर आप अपनी अगली डांस वीडियो शूट करेंगे तो आपका 50% काम हो गया। बाकी का 50% जो है, मेरा 50% बाकी बच्चे लोग वो आपकी एडिटिंग पे डिपेंड करता है। अगर इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के आपने ये वीडियो शूट कर ली तो आपकी एडिटिंग डिसाइड करेगी कि आपकी वीडियो की फाइनल लुक कितनी अच्छी आती है या फिर कितनी बुरी आती है। और अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो कि डांस वीडियोज़ की एडिटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियो जल्दी ही आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो अगली बार आप अगर डांस वीडियो बनाने जाएं तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखना। इसी के साथ हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक बाय।